गजनी एक बड़ी हिट क्यों थी? क्या चीजें गजनी 2 को हिट बना सकती हैं? आमिर ने गजनी 2 में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। पहली जगह पर खलनायक के नाम पर फिल्म का नाम के लिए साहस की परिपक्वता की आवश्यकता होती है, ये जानते हुए कि हमारे सितारे कितने एहसानमंद हैं, ऐसा कुछ हिंदी फिल्मों में असंभव है। गजनी लुक के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। आमिर की हेयर स्टाइल और उनका सपना काया, ये विस्मयकारी है और अधिक लोग आमिर लुक को अपनाते हैं या गजनी से आमिर के लुक में जिम जाते हैं, तो यह अभिनेता के लिए प्यार दिखाना ही है। गजनी ने एक ठोस नोट पर बॉक्स ऑफिस पर अपनी यात्रा शुरू की और इसने अपने पहले 3 दिनों में शानदार कमाई की। कार्य दिवस के दिन भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और रुपए का निशान पार कर लिया। इसके पहले हफ्ते में 50 करोड़, दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की और पहले हफ्ते से बड़ी गिरावट नहीं हुई। सिनेमाघरों ने अपनी शक्तिशाली दस्तक के कारण गजनी ने अपने जीवन काल में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये तो 100 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म ही बन गई। इनके विदेशों में भी कमाई की मजबूत रही और फिल्म ने दुनिया भर में 190 करोड़ से अधिक की कमाई करी। फिल्म को आलोचकों द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। लोगों को निश्चित रूप से गजनी 2 में दिलचस्पी होगी क्योंकि वे वास्तव में गजनी के विषय को पसंद करते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं। कई लोगों ने सिनेमाघरों में कई बार गजनी को देखा है। दर्शकों के प्यार के कारण ही गजनी इतनी हिट हुई और इतनी कमाई हुई। गजनी की दीवानगी 1 साल से भी ज्यादा थी, ये 2.5 महीने से अधिक समय तक सिनेमाघरों में रही थी। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे दर्शक बार बार गजनी देखने के बाद तरस गए और ये एक सुखद अंत है। दर्शक चाहते हैं कि फिल्म एक खुशहाल नोट पर समाप्त हो, जो पूरी तरह से संभव नहीं था क्योंकि संजय ने गजनी को मार दिया था और जो कि खलनायक था, लेकिन फिर भी दर्शकों के अनुसार एक सुखद अंत नहीं था क्योंकि फिल्म में संजय का प्यार कल्पना की मृत्यु हो गई थी। रीमेक में लोग ये सोचकर दिलचस्पी लेंगे कि गजनी की तरह विभिन्न मोड़ और रहस्य हो सकते हैं इस फिल्म में भी। लोगों को दूसरे भाग में इसीलिए भी दिलचस्पी होगी क्योंकि गजनी जैसी फिल्म बॉलीवुड में नहीं बनी है और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसा एक अलग विषय दिखाया जाता है तो लोग उसे फिल्म में सभी हिस्सों को देखकर इसके बारे में अधिक जानना पसंद करते हैं। दर्शकों को यह भी महसूस हो सकता है कि गजनी 2 में एक सुखद अंत हो सकता है जो कि गजनी में नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को और जुड़े रहें हमारे साथ। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जालन ने।